नमस्कार, मैं हूं अरुण दुबे और आप देख रहे हैं सूचना नेटवर्क। देश के सियासी इतिहास में जब जब चुनाव होता था तो नेताओं का शोर होता था, जीत पर जोर होता था, गली मोहल्ले से लेकर चौक चौराहों तक रैलियों की हुंकार सुनाई देती थी, रोड शो में ललकार दिखाई देती थी। लेकिन महामारी ने ऐसा रूप दिखाया कि प्रचार की रफ्तार थम गई और सड़कों का शोर सोशल मीडिया तक आकर सिमट गया। इसे लेकर बीजेपी खुशी से फूली नहीं समा रही है, लेकिन तमाम विपक्षी दल चिंता जाहिर कर रहे हैं क्योंकि वो बीजेपी की चालबाजियों से अच्छे से वाकिफ है। इसीलिए एक बार फिर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। प्रियंका गांधी ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि सोशल मीडिया और वर्चुअल चुनाव प्रचार प्रसार में बीजेपी आगे है। उसने सोशल मीडिया को अपने कब्जे में कर रखा है। बीजेपी की सोशल मीडिया सेल लगातार विपक्षी विरोधी अभियान चला रही है। ये काम वो पिछले 7 सालों से करते आए हैं। केंद्र में बीजेपी सरकार होने का फायदा वो हर राज्य में उठाने की कोशिश करती है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि मैं अखिलेश यादव के बयान से सहमत हूं कि चुनाव आयोग के फैसले का सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। प्रियंका गांधी ने अखिलेश के उस बयान का जिक्र किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि यूपी विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के लिए वर्चुअल रैलियों का फैसला है, तो आयोग को इसे सभी राजनीतिक दलों के लिए एक समान बनाना चाहिए। वर्चुअल रैलियों की बात करें तो आयोग को उन पार्टियों के बारे में भी सोचना चाहिए जिसके पास इसके लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। इतना ही नहीं, अखिलेश ने बीजेपी पर बरसते हुए कहा था कि बीजेपी के पास पहले से ही बड़ा संसाधन है, इलेक्शन बॉन्ड भी उन्हें सबसे ज्यादा मिलता है, विपक्षी पार्टियों को भी कहीं न कहीं स्पेस मिलना चाहिए। अब अखिलेश के इस बयान पर सहमति जताते हुए प्रियंका गांधी ने बीजेपी को बेनकाब कर दिया है। अब देखना होगा कि विपक्ष की मांग के बीच चुनाव आयोग क्या फैसला लेता है, क्या वो कोई और विकल्प तलाशेगा।